एशिया कप 2018 का मैच शुरू हो चुका है और ऐसे में कल भारत और पाकिस्तान यानी 19 सितंबर को महामुकाबला होने वाला है। और आपको हम बता दें कि भारत पाकिस्तान का ये जो मैच होगा केवल भारत और पाकिस्तान के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर टिकी होगी। इसलिए दोनों टीमें अपने अपने देशवासियों की भावनाओं को देखते हुए अंतिम 11 खिलाड़ियों का चयन भी काफ़ी सोच समझ कर रही है, क्योंकि दोनों टीमों के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं। भारतीय टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या कभी भी गेम में रूप बदल सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर और फखर जवान भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मशहूर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर माने जाते हैं। उन्होंने अपने शानदार बल्लेबाजी से असंभव को संभव कर दिखाया है, जबकि एशिया कप में विराट कोहली की जगह टीम इंडिया की कमान संभाल रहे रोहित शर्मा विस्फोटक बल्लेबाज तो है ही, अगर वह पिच पर टिक गए तो फिर उन्हें उखाड़ पाना पाकिस्तानियों के लिए नामुमकिन होगा। कई ऐसे अवसर आए हैं जब उन्होंने अपनी प्रतिभा को साबित किया है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इस झंडे को बुलंद किया है। आपको यह भी बता दें कि वनडे में उन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए हैं और हार्दिक पांड्या बेहतरीन इस समय ऑलराउंडर हैं, जो गेंद और बल्ले से उन्होंने कई मैचों में विरोधियों को पटकनी दी है। उन्होंने कम गेंदों में कई बार निर्णायक रन बनाए हैं और ऐसे में भारतीय टीम को जीत का स्वाद चखाया है। तो अब देखना यह है कि कल का महामुकाबला भारत और पाकिस्तान का कितना इंटरेस्टेड होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।